हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। गरीबों के मसीहा सोनू सूद आए दिन चर्चा का विषय बने रहते हैं और अब वो एक बार फिर से खबरों में आ गए हैं। लेकिन ये खबर सोनू के चाहने वालों को परेशान कर सकती है। दरअसल सोनू सूद अब विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, बीएमसी ने एक 6 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग शक्ति सागर को होटल में तब्दील करने के आरोप में सोनू सूद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीएमसी का आरोप है कि एक्टर ने बिना किसी की इजाजत के ऐसा किया है। सोनू सूद के खिलाफ महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया जाना चाहिए। बीएमसी ने सोनू पर इमारत के हिस्से को बढ़ाने और इस्तेमाल में बदलाव करने का आरोप लगाया है। बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि बीएमसी से जारी नोटिस के खिलाफ सोनू सूद ने मुंबई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें वहां से अंतरिम राहत नहीं मिल पाई थी। कोर्ट ने सोनू सूद को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया था। कोर्ट की ओर से दिया गया 3 हफ्ते का वक्त बीत चुका है और उन्होंने अनाधिकृत निर्माण को न तो हटाया है और न ही इस्तेमाल में तब्दीली के फैसले से पीछे हटे हैं। ऐसे में हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये FIR MRTP एक्ट के तहत दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले पर सोनू सूद ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीएमसी से जमीन के यूजर चेंज के लिए परमिशन ली थी और अब महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने नियमों को नजरअंदाज करने के बीएमसी के आरोप को गलत बताया। बता दें, कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद से ही सोनू सूद प्रवासियों को घर पहुंचाने को लेकर सुर्खियों में रहे। खास बात यह है कि सोनू सूद ट्विटर पर फैंस के ट्वीट्स का जवाब भी देते हैं। उन्होंने लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं भी लॉन्च की हैं। हाल ही में सोनू ने किसान नाम की फिल्म का ऐलान भी किया है। फिल्म को ई निवास डायरेक्ट करेंगे और राज शांडिल्य से प्रोड्यूस करेंगे। वैसे सोनू सूद से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।